मामला सुप्रीम कोर्ट में अर्धसैनिक बल के जवानों की 22 तारीख को 22 अप्रैल 2024 को सुनवाई देखने को मिल रही है। आइटम नंबर क्या होगा वो तो समय आने के बाद बताया जाएगा। ये मामला क्या है समझते हैं। मामला है अर्धसैनिक बल के जवानों का 2011 में ASI पद जनरेट करने के बाद जवानों को उसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने वाले लोगों को ग्रेड पे 4200 देना था जिसको नहीं दिया गया। जवान कर दिए केस सुप्रीम कोर्ट में। ऑलरेडी इस पे मामला जो है 22 अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी, जिसमें जवान जो लोग 150 SLP लगी थी वो खारिज हो गई थी, डिस्पोज ऑफ हो गया था और उस पर जजमेंट नहीं आया था। उसके पहले एक जवान का जजमेंट आया हुआ था 22 मार्च 2022 को जजमेंट उनके पक्ष में रहा था, जबकि 22 में ही अगस्त में और लोग का SLP खारिज हो गया था, उसमें अकेले जवान जीता था। उसके पहले का मामला था बलवीर सिंह तुंग का मामला, जजमेंट जवानों के पक्ष में रहा था और बलवीर सिंह का जजमेंट पूरे आर्मी में लागू हुआ, लेकिन अर्धसैनिक बल में ऐसे ही जजमेंट आने के बाद पूरे अर्धसैनिक बल में लागू नहीं हुआ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे थे। अब मामला है किसका, ये मामला अर्धसैनिक बल के CRPF BSF और ITP के भूतपूर्व मतलब और नए लोगों का मामला है जो 1984 से लेकर 1991 तक के भर्ती थे 16 फरवरी तक उनका केस था और वो 22 अगस्त 2022 को हार गए थे। इसी मामले को लेकर लोग नेक्स्ट ग्रेड को लेकर चैलेंज कर दिए दिल्ली हाई कोर्ट में और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई दलील नहीं दी और मामला हाई कोर्ट में लग गया। इसकी सुनवाई 22 अप्रैल 2024 को माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आप लोग बीच में जरूर बताया जाएगा। लड़ने वालों को तहे दिल से धन्यवाद। जब किसी के साथ गलत होता है तो न्यायालय आपका दरवाजा खोल के स्वागत करता है। अगर आपके साथ भी कोई गलत होता है आप हमें संपर्क करें, हम आपकी पूरा सहयोग करेंगे, हम आपको गाइड्स करेंगे कि आपका एडवोकेट कौन होगा, कैसा होगा, कितने पैसे में केस लड़ेगा, कौन अच्छा है, आप खुद बात करिए और आपको गाइड किया जाएगा। ये इसलिए बताया जा रहा है, भारत में अक्सर कोर्ट के मामले में लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाखों मामले जो है ऐसे 10-15 साल से टरकाए गए हैं और एडवोकेटों की वजह से हुआ। जो बेहतर एडवोकेट होते हैं, जैसे दांत का डॉक्टर इलाज करता है दांत का, वो कभी किडनी का नहीं कर सकता, वैसे किडनी का डॉक्टर कभी आँख का इलाज नहीं कर सकता, वैसे ही कोर्ट के मामले में जो जिस मैटर का एडवोकेट है उसी मैटर का एडवोकेट अगर आपको मिल जाता है तो आप किसी भी केस को आराम से जीत सकते हैं। अच्छे केस तभी जीता जा सकता है जब अच्छे वकील हो, और बुरे केस कितना भी बुरा हो लेकिन वकील सही मिल जाए तो इलाज सुनिश्चित है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।